कस्बा पिहानी में शासन द्वारा नामित सभासद पूनम गुप्ता के आवास पर नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सभासदों की बैठक की गई। बैठक में पालिका परिषद की कार्यशैली और सभासदों पर हो रहे नाइंसाफी के लिए आवाज उठाई गई। बैठक का संचालन नामित सभासद के प्रतिनिधि विमलेश गुप्ता ने किया। बैठक के दौरान सभासद मोइनुद्दीन ने बताया कि कॉलोनी में सर्वे ईमानदारी से किया जाए। अभी तक आवंटित कॉलोनियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बड़ी संख्या में पात्रों को आवास मिल गए और अपात्र आज भी भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभासद कफीर खान ने भी आरोप लगाया और कहा कि आवास के सर्वे में सभासदों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे लगे कि हमारे वार्ड में जो सर्वे हो रहा है वो सही है। नवाब तालाब के पास शौचालय में पुराने का नया करने की जांच की मांग मुजाबिर हुसैन जैदी ने की। तालाब कबाड़ की नीलामी में अनियमितता का आरोप लगाया गया। सभासद अभिषेक शुक्ला ने बताया, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय के निधन के बाद हुए निर्माण कार्य की सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन भी किया जाए। वहीं सभासद विष्णु ने भी कहा कि मोहल्ला मीरसराय में अत्यधिक सड़क खराब है, जिस पर अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जोर जोर से बात विचार भी किया गया। बैठक में सभासद डॉक्टर मुजाविर हुसैन जैदी, डॉक्टर इमरान खान, सुरेश अर्शी, विष्णु काफील खान, वल्ली उल्ला, मोइनुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के उपरांत में उपस्थिति सभासद को लेकर एक टीम भी गठित की गई। सभासद संघ, जिसको लेकर पूनम गुप्ता ने बताया कि ये टीम सभी सभासदों पर हो रहे अत्याचार के लिए सभासद संघ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। यदि किसी भी सभासद पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ उसकी बात पहुंचाने के लिए शासन तक हम तैयार हैं। इस टीम के संरक्षक अवधेश रस्तोगी जी, अध्यक्ष पूनम गुप्ता, महामंत्री कफीर खान, उपाध्यक्ष आबिद रजा नियुक्त किए गए। अवनीश अवस्थी की रिपोर्ट।